यह ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। यह ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना कभी हम हारे थे ना कभी हम हारेंगे, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। सो हैलो गाइस, दिस इज हर्ष पटेल एंड यू आर वॉचिंग फेलिस टॉक्स। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के यंगेस्ट सीईओ जिनका नाम है सुहास गोपीनाथ। सो लेट्स बिगिन। सुहास गोपीनाथ जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके जो पेरेंट्स है यानी कि उनके जो फादर है वो इंडियन आर्मी में थे और उनकी माता है वो हाउसवाइफ थी। सो उनकी बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत ही रुचि रही है। जब वो 12 साल की उम्र में थे तब उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नॉलेज गेन करूं बाय कंप्यूटर। लेकिन उनकी उस टाइम पे पॉकेट मनी थी सिर्फ 15 रुपीज। और जब वो साइबर कैफे गए तो उन्होंने देखा कि एक घंटे के सर्फिंग के लिए 100 रुपीज देने पड़ते थे। सो ये उनको एक दिक्कत लगी तो उन्होंने रास्ता निकाला। उन्होंने देखा कि जो शॉप थी वो 1 से 4 के बीच में बंद रहती थी यानी कि लंच ब्रेक रहता था। सो उन्होंने मालिक से बात की कि 1 से 4 के बीच में मैं आपकी शॉप ओपन रखूंगा, उसके बजाय आप मेरे को फ्री में सर्फिंग करने देंगे। सो मालिक ने बोला कोई बात नहीं है, ठीक है तू कर सकता है। सो ऐसे उनकी एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप की एक जर्नी स्टार्ट हुई। सो आगे बात करते हैं, जब वो 14 साल में थे तब उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाने की सोची। लेकिन इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक 18 साल की उम्र से कोई भी कम बच्चा अपनी कंपनी नहीं बना सकता। सो उनके मेंटर यानी कि उस शॉप के मालिक, उन्होंने बोला तू एक काम कर, यूएस में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा क्योंकि उधर ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। उन्होंने एक नंबर दिया और वो बंदे का नाम था सैम। सो सुहास गोपीनाथ ने सैम से बात की कि मेरे को कंपनी रजिस्टर करवानी है यूएस में, आप ऐसे करने के लिए मेरे को आपसे एक मदद चाहिए। सो सैम ने बोला कोई बात नहीं तू करवा सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो उन्होंने कंपनी रजिस्टर करवाई। 9 स्टैंडर्ड तक आते आते उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई जिनका नाम है coolhindustan.com, जो एक सक्सेसफुल वेबसाइट रही। सो उसके बाद एक ऑफिशियली उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जो कि फ्री में बनाई। और उसके बाद उनके एक और ऑर्डर मिला जिनका पेमेंट आने वाला $100। तब तक आते आते 10 स्टैंडर्ड आ गया था। उस $100 का जब पेमेंट आया, वो पेमेंट बैंक में आने वाला था लेकिन उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। तो उन्होंने अपने फादर से बोला कि मेरे को एक बैंक अकाउंट चाहिए क्योंकि मेरे एक पेमेंट आने वाली है। तो पिता बोलते हैं क्यों चाहिए, कौन सी पेमेंट आने वाली है। तब जाके उनको पता चलता है कि इनके नाम पे एक कंपनी रजिस्टर है वो, और ये सब काम करती है। सो पेरेंट्स बोले अभी तेरे को पढ़ाई करनी होगी, इंजीनियरिंग कर MBA कर, उसके बाद करना जो भी करना हो, एक आम पिता और माता की तरह। लेकिन ऐसा चलता रहा और जब उनकी 10th का रिजल्ट आया तब पता चला जो A1 ग्रेड 9th और 8th में आता था उसके बजाय वो 10th में बोर्ड की एग्जाम में एक सब्जेक्ट में फेल हो गए जो कि था मैथ्स। वो मैथ सब्जेक्ट में फेल हो गए तो पिता ने बोला अब तू ये सब बंद कर दे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। उन्होंने दलील की अगर बिल गेट्स है वो अपनी पढ़ाई खत्म किए बिना इतना सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। सो उनके पेरेंट्स बोलते हैं वो बिल गेट्स है, तेरी ऐसी किस्मत नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। और बच्चों की तरह उन्हें भी अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ी और उन्होंने 10 में फिर से एग्जाम दी और उनको क्लियर की। उसके बाद ये सब आगे चला। और एक अच्छी बात यह है कि जब वो कॉलेज में आए तब उनको वर्ल्ड बैंक से बुलावा आया कि आप हमारी बोर्ड ऑफ मीटिंग में आइए। तब बुलाने जाने वाले वो अकेले इंडियन यंगेस्ट बॉय थे और तब उनकी मुलाकात हुई बिल गेट्स से। जब बिल गेट्स से उनकी मुलाकात हुई तब वो बोले कि मुझे तुमसे डरना चाहिए क्योंकि तुम मेरे रास्ते पे मेरे से पहले ही चल पड़े हो, कहीं तुम मेरे को पीछे ना छोड़ दो। सो ये उनके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। इससे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो 6th सेम में थे यानी कि 3rd ईयर के एंड में, तब उनका प्लेसमेंट होने वाला था और प्लेसमेंट में उनकी खुद की कंपनी उसी कॉलेज में आने वाली थी। सो ये एक दूसरी मूवमेंट थी जो प्राउड मूवमेंट थी। सो ये थे अपने सुहास गोपीनाथ और आज उनकी कंपनी का कुछ वैल्यूएशन है 700 करोड़ रुपीस और वो इंडिया के यंगेस्ट सीईओ है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो 17 साल की उम्र में ही सीईओ बन गए थे अपनी खुद की कंपनी का। और आज सुहास गोपीनाथ की कंपनी एजुकेशन सेक्टर में अपना योगदान दे रही है। सो ये थे हमारे सुहास गोपीनाथ।
जिन पे मैंने एक केस स्टडी बना के दी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भेजी जा सके। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फेलिस टॉक्स। थैंक यू।